देश में दलितों पर जारी वार, नहीं थम रहा अत्याचार, अत्याचार पर अत्याचार, कब सुनोगे दलितों की पुकार। जालौर के बाद जयपुर की घटना ने दहलाया, महिला को जिंदा चलाया, आरोपी अभी तक पकड़ नहीं आया। कहने को तो देश में जातिवाद नहीं है, भेदभाव भी नहीं है, लेकिन इसकी असलियत अगर जानेंगे तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि देश में आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। जिसके जीते जागते दो उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं, जिसने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या देश में दलितों का कोई अधिकार नहीं है। आखिर क्यों दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जयपुर में एक दलित महिला शिक्षिका को जिंदा चला दिया गया। दबंगों ने स्कूल जाते समय पेट्रोल डालकर महिला को आग लगा दी। आग से बुरी तरह झुलसी शिक्षिका की मंगलवार देर रात SMS अस्पताल में मौत हो गई। यह घटना 10 अगस्त की है, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। यह वीडियो इतना विभत्स है कि हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस बारे में पूरी जानकारी जरूर बता सकते हैं। ये दिल दहला देने वाली घटना राजस्थान के जयपुर के रायसर गांव की है, जहां 10 अगस्त सुबह 8 बजे रैगरो के मोहल्ले में रहने वाली शिक्षिका अनीता रेगर अपने बेटे राजवीर के साथ वीणा मेमोरियल स्कूल जा रही थी। इस दौरान कुछ दबंगों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। बदमाशों से बचने के लिए अनीता पास ही में बने एक घर में घुस गई। उसके मदद के लिए डायल 100 को सूचना दी, लेकिन काफी देर बाद भी वहां पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद मौका मिलते ही दबंगों ने पेट्रोल डालकर उस शिक्षिका को आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी अनीता मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। घटना की सूचना मिलने पर शिक्षिका का पति ताराचंद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा और पत्नी को जमवा रामगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गया, जहां 70% जल चुकी अनीता को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जयपुर के SMS अस्पताल रेफर कर दिया। मृतका शिक्षिका अनीता ने आरोपियों को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। कई दिन से वह आरोपियों से अपने रुपए वापस मांग रही थी। बार बार रुपए मांगने पर आरोपी शिक्षिका के साथ मारपीट और अभद्रता कर रहे थे। इसे लेकर अनीता ने 7 मई को रायसर थाने में केस भी दर्ज कराया था। बताया जा रहा कि पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार बदमाशों ने महिला को जिंदा जला दिया। मृतका शिक्षिका के पति ताराचंद ने गांव के रामकरण, बाबूलाल, गोकुल, मूलचंद, सुरेश चंद, आनंदी, प्रहलाद रेगा, सुलोचना, सरस्वती और विमला पर उसकी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं ताराचंद का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। महिला ने मरने से पहले भी इस बात का जिक्र किया है। सोचिए भारत देश की हालत अब क्या से क्या हो चुकी है। अब इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान के जयपुर से एक और विभत्स घटना सामने आई है। दलित शिक्षिका को जिंदा चला दिया गया, महिला की मृत्यु हो चुकी है। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि इस सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर जमकर अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। सरकार गुंगी बहरी है, केवल वोट लेना जानती है, बस न्याय देना नहीं। एक और यूजर ने मीडिया को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि सारी दुनिया की महिलाएं एक हैं, मगर भारत में महिलाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर्ण महिलाएं, जिनके लिए सारे देश में चीख पुकार विलाप संवेदना सब होता है, उनके लिए मीडिया सत्ता सब एकजुट होकर अधिकारों का झंडा लहराती है। दूसरी होती है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं। सब याद रखना, सच की तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है आप भी देख सकते हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।